Hello, my dear children. Welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Brain Root series. And here is a book, children. The name is Cyber Creators. Today we are going to start chapter number 3 and the name of the chapter is The Advanced Feature of Excel 2021. So what we will learn? We will learn about some advanced features of MS Excel 2021. So last जो chapter हमने पढ़ा था, chapter number 2 में हमने MS Excel के बारे में पढ़ा था, उसके बहुत सारी चीज़ें थी उसमें वो included थी. यहाँ पर हम कुछ और ज़्यादा advanced features के बारे में पढ़ेंगे. तो in this chapter we are going to learn freezing panes, panes को कैसे freeze किया जाता है, filtering the data, Adding the subtotal, goal seek क्या होता है, charts in Excel क्या होते हैं, sorting of data, data को कैसे sort किया जाए, data validate कैसे किया जाए, pivot tables क्या होते हैं, conditional formatting क्या है, and creating a chart. So these all things we are going to learn in this chapter. I hope you will enjoy it. Now let's start the chapter with this small activity that is given here. Write down the rules to use a function in the space given below. तो कोई भी एक function के बारे में आपको rules लिखने हैं कि functions के क्या-क्या rules होते हैं. So do it yourself. Let's start with the freezing panes. Freeze का मतलब आपको पता ही होगा. Freeze का मतलब होता है जम जाना. तो यहाँ पे क्या है? हम जो panes हैं, उन्हें हमें freeze करना, उन्हें जमा देना है. For example, ये जो pane है, इसे हमें पूरा freeze कर देना है, या फिर इस quantity वाले को हमें pane को freeze कर देना है. तो means इतना pane कहीं भी नहीं जाएगा. इसके बाद के जितने भी आपको जो panes मिलेंगे, सारे move करेंगे, but इतना pane move नहीं करेगा. क्यों हम करते हैं freeze pane? Let's read about it. So whenever you are working with a lot of data, जब आप बहुत सारे data के साथ work कर रहे हैं, तो क्या होता है? It can be difficult to compare information in your workbook. तो information को compare करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. Suppose A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Z तक हमारे बहुत सारे panes आ गए हैं. अब हमें उसको जो है कीबोर्ड से कंपेयर करना है या टैली करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम फ्रीज पेन यूज़ करते हैं. फॉर्चुनेटली एक्सेल इंक्लूड्स सेवरल टूल्स. एक्सेल में बहुत सारे टूल्स हैं जो क्या करते हैं, इस काम को और भी ज़्यादा इजी बना देते हैं. फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वर्क बुक एट द सेम टाइम, एक समय पर ये काम हम कई जगहों पर कर सकते हैं. इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ फ्रीज पेन, तो उसमें से एक फीचर फ्रीज पेन का भी है. You may want to see certain rows or columns all the time in your worksheet. हमें अपनी worksheet में जो main column होता है उसे हमेशा देखना होता है. Specially header cells, जो header cells है वो हमें हमेशा चाहिए. तो अब हमें क्या करना है? By freezing rows or columns, हम rows और columns को freeze करके उनकी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं? You will be able to scroll through your content. हम अपने content को scroll कर सकते हैं. While continuing to view the frozen cells, जिन cells को हमने freeze किया है वो वहीं रहेंगे, बाकी cells move करेंगे. तो चलिए सीखते हैं कैसे हमें किसी row को freeze करना है. तो row को freeze करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? Select the row below the rows you want to freeze. उस row को select करिए जिसे आपको freeze करना है. On the view tab, select the freeze pane command. View tab में जाके फ्रीज पेन कमांड को हमें सेलेक्ट करना है. तो ये है हमारा व्यू टैब और यहाँ पे हमारा फ्रीज पेन कमांड है. देन चूज फ्रीज पेन्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. अब जैसे आप फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेन्यू है आपके सामने ये ओपन होके आएगा. इसमें से जो भी हमें सेलेक्ट करना है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं. द रोज विल बी फ्रोजन इन प्लेस एज इंडिकेटेड बाई ग्रे लाइन. तो ये जो ग्रे लाइन है, जैसे ये आपको ग्रे लाइन दिख रही है ना, ये वाली पूरी रो जो है फ्रीज हो गई क्योंकि हमने इससे रिलेटेड यहाँ पे सेलेक्ट किया था. तो इस रो को हमने सेलेक्ट कर दिया, इसे हमने फ्रीज कर दिया, अब ये रो मूव नहीं करेगी. नाउ हाउ टू फ्रीज कॉलम. अब कॉलम्स को कैसे फ्रीज करना है?
कॉलम्स को फ्रीज करना भी बहुत ही आसान है, जैसे हमने रोज को कॉलम फ्रीज किया था. सो टू फ्रीज कॉलम सेलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ द कॉलम्स यू वांट टू फ्रीज. सेम प्रोसेस हमें अपनाना है, जिस भी कॉलम को हमें फ्रीज करना है उस कॉलम पे हम गए. सपोज हमें इस कॉलम को फ्रीज करना था तो हम इस कॉलम पे गए. ऑन द व्यू टैब पे जाना है, फ्रीज पेंस पे जाना है, फिर फ्रीज पेंस में जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट करना है जो भी तरीका हमें चाहिए फ्रीज करने का. एंड उसको सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस पेन को फ्रीज कर दिया. द कॉलम विल बी फ्रोजन इन प्लेस एज इंडिकेटेड इन द ग्रे लाइन टू अनफ्रीज पेन. अब हमने फ्रीज करना तो सीख लिया रो और कॉलम्स को, अब इसे अनफ्रीज कैसे करेंगे, मीन्स इसे मूव करना है हमें. तो मूव करने के लिए क्या करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट डिफरेंट व्यू ऑप्शन, अगर आपको डिफरेंट व्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यू मे फर्स्ट नीड टू रीसेट द स्प्रेडशीट. आपको क्या करना है, सबसे पहले स्प्रेडशीट को रीसेट करना है बाय अनफ्रीजिंग पेन्स, पेन्स को अनफ्रीज करके. अब आप देख सकते हैं आपके सामने फ्रीज पेन्स का कॉलम है, इसमें से आपको इस अनफ्रीज पेन को सेलेक्ट करना है. तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी पेन हमने सेलेक्ट कर रखा था या फ्रीज कर रखा था वो अनफ्रीज हो जाएगा. जैसे हम अपने फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करते हैं, टू अनफ्रीज रोज और कॉलम्स क्लिक द फ्रीज पेन कमांड देन सेलेक्ट अनफ्रीज पेन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. सो ये तरीका है जिससे हम अनफ्रीज कर सकते हैं इन पेन्स को. नाउ नेक्स्ट इज सॉर्टिंग ऑफ डेटा. डेटा को कैसे सॉर्ट करना है, मीन्स डेटा बहुत सारा है उसको सॉर्ट करके अलग अलग कैटेगरीज में डालना है. तो यहाँ पे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है. सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इधर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना. डेटा कैन बी सॉर्टेड इन रोज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट. डेटा को जो है सॉर्ट किया जा सकता है रोज के रोज में और बेसिस ऑफ उनके टेक्स्ट, जैसा टेक्स्ट है जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट नंबर और डेट्स. तो जो भी हम जिस भी आप कह सकते हो पेन में ये लगाएंगे हम अपना सॉर्टिंग, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा डेटा. वंस द डेटा इज ऑर्गेनाइज इट बिकम्स ईजी टू वर्क विथ. अगर एक बार ये डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है. टू सॉर्ट द डेटा गिवन बिलो आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट इज सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग द डेटा टू बी सॉर्टेड. अब सपोज हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स से लेकर टोटल तक के सारे रेंजेस को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कीबोर्ड है, उसके नीचे माउस है, फिर सीपीयू है, फिर माइक्रोफोन है, स्पीकर, स्कैनर, हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर. तो ये इस तरीके से अरेंज है डेटा. अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद हमें सॉर्ट ऑप्शन में जाना है, सॉर्ट एंड फ्लिप फिल्टर ग्रुप में. तो सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप आपको दिख रहा है. तो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आप देख सकते हो ए से जेड लिखा है और जेड से ए. तो जिस भी तरीके से आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है, आप जो है मीन्स बिगर टू स्मॉलर करना है या स्मॉलर टू बिगर करना है, उस तरीके से आप उस आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा. तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाके आपने सॉर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया. द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपियर. सेलेक्ट द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वॉन्ट टू सॉर्ट. जिस भी कॉलम के बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे. एंड फ्रॉम द सॉर्ट बाई ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द वैल्यू ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो सॉर्ट में से हमें वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, फिर हमने ऑर्डर में से हमें ऑर्डर को सेलेक्ट करना है, एंड देन हमें ओके बटन पे क्लिक करना है. तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कॉलम को हमने क्या किया है, ये जो प्रोडक्ट कॉलम है इसे हमने सॉर्ट किया, मीन्स कीबोर्ड माउस सीपीयू ये जो इनका जो सीक्वेंस है उसे हमें अल्फाबेटिकल करना है. तो अल्फाबेटिकल करने के लिए जब हमने इसे सॉर्ट किया तो क्या हुआ, अब आप देख सकते हो सीपीयू सी, ए के बाद बी और बी के बाद सी आता, तो सीपीयू सबसे ऊपर आ गया, फिर एच आ गया, फिर के आ गया, एम आ गया, अगेन एम. तो ये जो सारे डेटा है जो यहाँ लिखा था वो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ चुका है. तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई एंड सो ऑन. और साथ में आप देख सकते हो सीपीयू का जो प्राइस था 20,000 वो यहाँ पे भी 20,000 ही है, क्योंकि हमने सॉर्टिंग किस में लगाई थी, इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में लगाई थी.
सिमिलरली कीबोर्ड की प्राइस थी 1000, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कीबोर्ड की प्राइस सेम है। तो इस सॉर्टिंग से क्या हुआ, ये जो दूसरे सेल्स थे इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, ये उस हेडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं। नाउ फिल्टरिंग द डेटा, अब डेटा को कैसे फिल्टर करना है, सॉर्ट करना अब हमने सीख लिया है, अब फिल्टर कैसे लगाना है। सो पहले पढ़ लेते हैं फिल्टर क्या होता है। द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले। फिल्टर से क्या होगा, जो पार्ट हमें देखना है सिर्फ वही दिखाई देगा, बाकी पार्ट हमें उस समय नहीं दिखाई देंगे। तो क्या होगा, वो चीज़ें टेम्परेरी छुप जाएंगी एंड रेस्ट ऑफ द डेटा हमें दिखाई देगा। वी कैन से दैट वेइंग ओनली सेलेक्टिव डेटा दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। फिल्टर का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमें जो डेटा चाहिए सिर्फ वही दिखाई देगा, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट में से हमें वो पर्टिकुलर एप्पल नाम के डेटा जहाँ कहीं भी वो सारे फिल्टर होके एक जगह आ जाएंगे और हमें सिर्फ वो एप्पल के ही डेटा दिखाई देंगे। वी कैन से दैट वेइंग ओनली सेलेक्टिव डेटा दैट सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन इज नोन एज फिल्टरिंग द डेटा। फिल्टरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सॉर्टिंग। फिल्टरिंग और सॉर्टिंग में डिफरेंस है चिल्ड्रेन। सॉर्टिंग में क्या किया हमने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। लेकिन फिल्टर में क्या करें, हम जो डेटा को छुपा दे रहे हैं जितनी जरूरत उतना ही डेटा हमें शो हो रहा है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। अनलाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग डज नॉट रीअरेंज द डेटा। सॉर्टिंग की तरह फिल्टरिंग क्या करता है, डेटा को रीअरेंज नहीं करता। टू फिल्टर द डेटा फॉलो दीज स्टेप्स। अब डेटा को फिल्टर करना है तो ये स्टेप्स जो दिए गए उन्हें हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या कहता है, डेटा को हमें टाइप करना है जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, प्रोडक्ट कॉलम, प्राइस, क्वांटिटी, जीएसटी एंड टोटल। नाउ क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ द रेंज यू वांट टू फिल्टर। जिस भी सेल को हमें फिल्टर लगाना है, जिस भी सेल पे, चाहे प्रोडक्ट पे लगाना हो, चाहे प्राइस पे लगाना हो, चाहे क्वांटिटी पे लगाना हो, चाहे जीएसटी पे लगाना हो, जिस पे भी हमें फिल्टर लगाना है उस पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल A5 को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, तो A5 ये है हमारा A5, इसको सेलेक्ट किया गया है। क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इन द डेटा टैब। तो डेटा टैब में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर में से हमें फिल्टर ऑप्शन को चूज करना है। अब क्या होगा, द फिल्टर एरो अपीयर्स नेक्स्ट टू द कॉलम हेडिंग। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है आपको हर कॉलम के बाद, तो ये क्या है, फिल्टर एरो है। तो अब इस फिल्टर एरो में जाके आप सॉर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, जो भी जिस तरीके से भी आपको देखना हो। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द कॉलम हेडिंग टू स्पेसिफाई द कंडीशन। द ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड्स मेनी ऑप्शन फॉर फिल्टरिंग द डेटा। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, तो सॉर्ट ए टू जेड कर सकते हैं, सॉर्ट जेड टू ए कर सकते हैं, सॉर्ट बाई कलर है। अब फिल्टर्स दिए गए हैं, किन किन को हमें फिल्टर करना है, किन किन को हमें देखना है, किन किन को हम नहीं देखना चाहते, तो उन चीज़ों को अपने टिक लगाया, ओके पे क्लिक कर दिया। द लिस्ट इज फिक्स फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द चूजन क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया हमने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर अब लग चुका है हमारे डेटा में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 11 आइटम्स है और हमने कितने, हमने 4 या 5 ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, जो सेल की जो एंट्रीज है उसे एक पर्टिकुलर रेंज में स्पेसिफाई कर देता है, वहीं पे रोक देता है। टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन फॉलो द स्टेप्स। अब हमें क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले हमें रेंज सेल की जो रेंज है उसे सेलेक्ट करनी है। तो सपोज हमने 1 से लेके 10 तक सेलेक्ट कर लिया, अब हमें कहाँ जाना है, क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन ऑप्शन ऑन डेटा टूल्स इन द डेटा टैब। तो अब डेटा टैब में हम गए, वहाँ पे जाके हमने डेटा टूल पे क्लिक किया एंड वहाँ से हम डेटा वैलिडेशन पे चले गए। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी हमारे सामने, उसमें हमें डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। द डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ऑन सेटिंग टैब। अब ये डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उसमें जाके सेटिंग टैब में जाना है। अब इसमें हमें अलाउ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट होल नंबर ऑप्शन। अब अलाउ में जाके होल नंबर ऑप्शन पे हम में जो है सेलेक्ट करना है। ये देखिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब इसमें से इन मिनिमाइज टेक्स्ट टाइप 0 एंड मैक्स, इन मिनिमम टेक्स्ट टाइप 0
एंड इन मैक्सिमम टेक्स्ट टाइप 100. तो जो मिनिमम टेक्स्ट है उसमें 0 टाइप करना है, मैक्सिमम में हमें 100 टाइप करना है. तो ऐसे हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज. अब हमें इनपुट मैसेज पे क्लिक करना है. इन द टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टाइप वैलिडेशन. अब हमें जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है आप देख सकते हो, नंबर्स को हमने यहाँ पर डाल दिए, मिनिमम में 0, मैक्सिमम में 100. अब हमें क्या करना है, इनपुट मैसेज बॉक्स पे जाना. ये रहा इनपुट मैसेज बॉक्स, यहाँ पे जाना है. यहाँ पे हमें जाके वैलिडेशन टाइप करनी है एंड ये जो नंबर है इसे टाइप करना है. मीन्स अगर 0 से कम है तो मिनिमम हो गया, और 100 से ज़्यादा है या 100 है तो मैक्सिमम हो गया. तो अब हमने इनपुट मैसेज डाल दिया इसमें. अब इसके बाद एरर अलर्ट पे जाना है. यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का कोई एरर आता है तो कौन सा मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए. तो आपने मैसेज लिखा है ट्राई अगेन इनवैलिड, तो ये मैसेज टाइप होगा जब भी कोई एरर होता है. तो अब जो है इस पर क्लिक करने के बाद हमने ओके पे क्लिक किया एंड क्या होगा, इफ़ यू ट्राई टू एंटर डेटा बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट. अगर दिया गया जो लिमिट है उसके अलावा हम डेटा को एंटर करते हैं किसी भी एक सेलेक्टेड रेंज में, तो क्या होगा, एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड. एरर मैसेज आएगा एंड क्लिक ऑन रिट्राई टू एंटर अनदर वैल्यू इन द सेल. और रिट्राई पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं सेल में. तो ऐसे हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं. एडिंग द सब टोटल. सब टोटल हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एनालाइज द डेटा. सब टोटल क्या करता है, हेल्प करता है मैनेज और एनालाइज करने में डेटा को. टू अप्लाई सब टोटल द डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड. अगर आपको सब टोटल चाहिए तो आपका जो डेटाबेस है वो सॉर्टेड होना चाहिए. टू ऐड सब टोटल फॉलो दी स्टेप्स. अब सब टोटल ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहला है टाइप द डेटा इज शोन. जैसे यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है ऐसे आपको टाइप करना है अपने एक्सेल शीट में. फिर कहाँ जाना है हमें, सब टोटल बटन पे क्लिक करना है. आउटलाइन ग्रुप में जाके डेटा टैब में, तो डेटा टैब के ऑल आउटलाइन ग्रुप में हमें सब टोटल ऑप्शन पे जाना है. द सब टोटल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स. जो सब टोटल डायलॉग बॉक्स है जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे वो आपके सामने आ जाएगा. सेलेक्ट रीजन फ्रॉम एट ईच चेंज. तो ये एट ईच चेंज को हमें सेलेक्ट करना है इन ड्रॉप डाउन लिस्ट. टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स सेलेक्ट सम फंक्शन फ्रॉम यूज फंक्शन. हमें जो है सम को सेलेक्ट करने के लिए, सेल्स का जो सम है उसे सेलेक्ट करने के लिए हमें यूज फंक्शन पे जाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में. आप देख सकते हो यहाँ पे यूज फंक्शन है, दिस इज योर यूज फंक्शन. एड इन एड सब टोटल टू. एड सब टोटल टू में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके क्लिक करना है सेल्स पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप सेल्स पे क्लिक करेंगे. डी सेलेक्ट द रिप्लेस करेंट सब टोटल. जो रिप्लेस करेंट सब टोटल है उसे हमें डी सेलेक्ट करना है बाई क्लिकिंग ऑन इट्स चेक बॉक्स. उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमें उसे डी सेलेक्ट करना है. दिस ऑप्शन ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग सब टोटल इफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड. तो ये ऑप्शन क्या करेगा, जो पहले से कैलकुलेटेड सब टोटल है उसे ओवरराइड कर देगा. द समरी बिलो डेटा चेक बॉक्स इज ऑलरेडी मार्क्ड. जो समरी है इस डेटा चेक बॉक्स के नीचे वो पहले से मार्क्ड है. दिस ऑप्शन विल प्लेस द टोटल बिलो द डेटा ऑफ ईच टाइप. ये ऑप्शन क्या करेगा, डेटा को हर एक टाइप के नीचे प्लेस कर देगा. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन. अब ये सब करके आपको ओके बटन पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी दिस इज योर रिजल्ट. सो सब टोटल विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन द फिगर गिवन अबव. तो जैसे आपको सब टोटल ऊपर दिख रहा है वैसे ही आपको सब टोटल दिखाई देना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज पिवट टेबल. सो पिवट टेबल इज अ पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा. सो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है जो क्या करता है, डेटा को कंसोलिडेट करता है, उसको समराइज करता है और प्रेजेंट करता है. टू क्रिएट पिवट टेबल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. पिवट टेबल को हमें क्रिएट करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है. तो क्या है, एंटर द डेटा इन द न्यू वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डेटा रेंज. हमें जो है डेटा को एंटर करना है जैसे वर्कशीट में दिया गया है एंड उस डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज
टू क्लिक ऑन द पाइवट टेबल ऑप्शन ऑन द टेबल ग्रुप इन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में जाके हमें कहाँ जाना है, हमें टेबल्स ग्रुप में जाना है और यहाँ पे आपको पाइवट टेबल ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है. टू क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स, द क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. तो जैसे हमने पाइवट टेबल पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा जिसमें टेक्स्ट बॉक्स होगा, जिसमें रेंज दी हुई होगी जो भी आपको सेलेक्ट करनी है. अब इसमें जो है टेबल रेंज आपको दिखाई दे रहा है, फिर न्यू वर्कशीट दिखाई दे रहा है, फिर उसके एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिखा हुआ है. तो द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, क्लिक ऑन द ओके बटन. तो हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट नहीं जाना, हमें नई वर्कशीट बनानी है. तो न्यू वर्कशीट पहले से सिलेक्टेड है, बस हमें ओके पे क्लिक कर देना है. द पाइवट टेबल लेआउट इज डिस्प्लेड ऑन द न्यू वर्कशीट. अभी जो पाइवट टेबल का जो लेआउट है वो इस नई वर्कशीट में डिस्प्ले होने लगेगा. आप देख सकते हो आपके सामने है ये. द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क पेन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. ये जो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क है ये हमारे सामने हो जाएगा राइट साइड हमारे स्क्रीन के. आप देख सकते हो आ चुका है ये पाइवट टेबल फील्ड. अब क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड फ्रॉम द चूज फील्ड. हमें क्या करना है, क्लिक करना है और नेम को हमें इसमें से सेलेक्ट करना है. चूज फील्ड टू एड अ रिपोर्ट पेन में से एंड ड्रॉप इट इनटू द रोज क्वाड्रेंट. तो इसे यहाँ से चूज करके हमें रोज क्वाड्रेंट में यहाँ पे ड्रॉप कर देना है. ड्रैग द प्रोडक्ट फील्ड इनटू द कॉलम्स क्वाड्रेंट. और प्रोडक्ट फील्ड को हमें जो है कॉलम्स इसमें जो है कॉलम्स क्वाड्रेंट में डाल देना है. ड्रैग द सेल्स फील्ड इन द वैल्यूज क्वाड्रेंट. सेल्स फील्ड को हमें वैल्यूज में डाल देना है. एंड यू कैन रीअरेंज द डेटा इन एनी वे यू लाइक. जैसे भी हम डेटा को चाहते हैं उस हिसाब से हम उसे रीअरेंज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लेस ऑफ बटन्स हियर. हम जो है बटन्स की जो प्लेस है उसे भी चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू डू नॉट लाइक देयर प्लेसमेंट्स, अगर आपको इनके प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं लग रही है तो हमें क्या करना है, सिर्फ अंडू बटन पे क्लिक करना है. सो ऐसे हम पाइवट टेबल को बना सकते हैं. नेक्स्ट इज गोल सीक. अब ये क्या है गोल सीक, लेट्स सी. गोल सीक इज अ वंडरफुल फीचर फॉर फिक्सिंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग अ वैल्यू इन अनदर सेल. सो गोल सीक क्या करता है, जो एक रिजल्ट है उसे दूसरे सेल में एडजस्ट कर देता है. एंड द स्टेप्स टू फॉलोड आर एंटर द डेटा शोन इन द वर्कशीट. वर्कशीट में आप देख सकते हो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, बच्चों के नाम लिखे हैं, उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हैं और टोटल मार्क्स लिखे हैं. नेक्स्ट क्लिक ऑन द वॉट इफ एनालिसिस ऑप्शन. हमें क्या करना है, वॉट इफ एनालिसिस ऑप्शन पे क्लिक करना है. इन द डेटा टूल ग्रुप इन द डेटा टैब. तो डेटा टैब में जाके डेटा टूल ग्रुप में जाके हमें वॉट इफ एनालिसिस पे क्लिक करना है. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, सेलेक्ट गोल सीक. अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई आपके सामने, इसमें हमें गोल सीक पे हमें सेलेक्ट करना है. द गोल सीक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. इन सेट सेल टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन द सेल एड्रेस. अब इसमें क्या करना है, हमें जो सेल एड्रेस है उसे जो है डिफाइन करना है. सपोज हमने क्या किया है, B9 को सेलेक्ट किया है. तो हियर यू कैन सी B9 ऑन विच गोल सीक इज टू बी अप्लाइड. B9 पे ये क्या करना है, इसे अप्लाई करना है. मीन्स यहाँ पे हमें इस गोल सीक को अप्लाई करना है. दिस बॉक्स ऑलवेज रिफर्स द सेल्स दैट कंटेन्स फॉर्मूला. तो आपको ऐसे जो है इन शॉर्ट सेल्स टू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल इन सबको यहाँ पे ऐड करना है. तो आप देख सकते हो कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो जो है यहाँ पे आपको B9 में अपीयर होता हुआ दिखाई देगा. नेक्स्ट टाइप द न्यू वैल्यू. अब हमने क्या कि नई वैल्यू डाल दी उसकी जगह, उस पुरानी वैल्यू की जगह नई वैल्यू है 405 एज अ रिजल्ट टू इन टू वैल्यू. तो टू वैल्यू में हमने 405 डाल दिया रिजल्ट. इन दिस बॉक्स ऑलवेज रिफर द सेल दैट कंटेन्स फॉर्मूला. इस बॉक्स में हमें वही सेल डालना है, वही डेटा डालना है जो फॉर्मूला कंटेन करता है. प्रेस द टैब की. अब हमें टैब की को प्रेस करना है एंड क्लिक ऑन द सेल E3 इन द वर्कशीट. अभी हमें E3 पे हमें सेल पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है. बट चेंजिंग सेल टेक्स्ट बॉक्स.
क्लिक ऑन द ओके बटन। अब ये सब करके हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। द गोल 6 स्टेटस डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन डिस्प्लेइंग द टारगेट वैल्यू। अब गोल स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाएगा जो आपको टारगेट वैल्यू दिखा रहा है 405 एंड करेंट वैल्यू 392। क्लिक ऑन द ओके बटन और करेंट वैल्यू क्या था 392। सो आप देख सकते हो ये वैल्यूज आपको दिख रही हैं। अब हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। ऑब्जर्व द चेंज इन सेल E5। तो E5 में जो चेंज है डेटा में वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ फीचर इन एक्सेल दैट लेट्स यू टू अप्लाई फॉर्मेटिंग सच एज सेल शेडिंग ऑफ फॉन्ट कलर टू अ सेल ओनली व्हेन द सेल कंटेंट्स सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या होता है, हम जो है ये जो फीचर है एक्सेल में, इससे हम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लगा सकते हैं, इससे हम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे सेल को शेड कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ द सेल मीट द फॉर्मेट कंडीशन, जब जो वैल्यू है सेल की वो अपने फॉर्मेट कंडीशन से मिल जाती है, द सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड टू द सेल, वो जो सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग है वो सेल में अप्लाई हो जाती है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द सेल डज नॉट मीट द फॉर्मेट कंडीशन, अगर जो वैल्यू है वो सेल की वो मतलब जो दिया गया फॉर्मेट है उससे मीट नहीं करती, उसकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट करती है, द डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग इज यूज। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो यूज होने लगेगी। नाउ देयर इज समथिंग टू नोट दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू सेट अ सेल्स फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू conditions that you specify. So जैसे conditions हम देंगे उसके according ही ये formatting होगी। Now अब कैसे लगाना है conditional formatting, let's see. First we have to enter the data, जैसे यहाँ पर data आपके सामने हैं बच्चों के नाम और उनके marks. Now enter the data in the new worksheet as shown. Click on the conditional formatting option in the style group in the home tab. तो हमें क्या करना है, home tab के स्टाइल ग्रुप में जाना है एंड यहाँ से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन एज पर द क्राइटेरिया यू वांट टू अप्लाई, जैसा भी क्राइटेरिया हमें चाहिए, जैसी भी हमें फॉर्मेटिंग चाहिए उसे सेलेक्ट कर लो। यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट कर सकते हो। एंड हियर वी सेलेक्ट हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, सो जितने भी सेल्स हैं जिसमें ग्रेटर देन वैल्यूज हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, अब क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। एंटर द वैल्यू एज स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेटिंग टू बी अप्लाइड, दिस एग्जाम्पल एंटर द वैल्यू एज 85 एंड चूज लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट एज द फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले वैल्यू डाल दी, 85 हमारी वैल्यू है और अगर इससे ज़्यादा नंबर है तो लाइट रेड होगा, नहीं तो डार्क रेड। क्लिक ऑन द ओके बटन, अब हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। सिमिलरली यू कैन चूज हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन, अब लेस देन वाले सेल्स को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें भी हमें सेम प्रोसीजर अपनाना है, हमें डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस ऑप्शन में जाएंगे, अब उसमें हमें लेस देन वैल्यू जो है वो डालनी है, अब उसमें हमने कलर चूज कर दिया कि येलो कलर होना चाहिए उसमें, फिर ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब द सेल्स आर फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक कंडीशन, तो जितने स्मॉलर देन नंबर हैं वो येलो हो गए, जो बिगर देन नंबर हैं वो रेड कलर से फिल हो गए। सो लाइक दिस यू कैन डू कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज चार्ट्स इन एक्सेल। अब एक्सेल में चार्ट्स भी हम बना सकते हैं, यस यू कैन मेक डिफरेंट चार्ट्स हियर, आपके सामने है कुछ चार्ट्स, तो ये चार्ट्स भी हम एक्सेल में बना सकते हैं, कैसे, लेट्स लर्न। सो अ चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो जैसे कि हम मैथ्स में क्या करते हैं पाई चार्ट बनाते हैं, वैसे हम ये चार्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं एक्सेल में। चार्ट्स मेक इट ईजियर टू ड्रॉ कंपेरिजन एंड एनालिसिस ऑफ ग्रोथ, चार्ट्स क्या करते हैं कंपेरिजन करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ को बताने में या फिर रिलेशनशिप्स को बताने में या ट्रेंड्स को बताने में किसी भी वैल्यू की हेल्प करते हैं।
When you insert a chart, the data is displayed in the specific window called data sheet. तो जब भी हम कुछ भी ये चार्ट इंसर्ट करते हैं तो जो डेटा है वो डेटा शीट में आपके सामने आ जाती है. When the data changes, the chart is updated automatically. जैसे ही हम डेटा को चेंज करेंगे चार्ट अपने आप चेंज हो जाएगा. तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से तरीके के चार्ट्स हैं यहाँ पे. There are many types of charts. Excel has variety of chart type, each with its own advantages. Some of the most commonly used charts are as follows. पहला है column chart. So column chart uses vertical bars to represent the data. So column chart क्या करता है, ऐसे vertical bars को use करता है data को represent करने के लिए. They can work in many different types of data. ये जो है अलग अलग तरीके के data में work कर सकता है, but they are most frequently used for comparing and information. ये जो ज़्यादातर use किए जाते हैं information को compare करने के लिए. Next is line chart. आप देख सकते हो lines बनी हुई हैं, तो lines के through depict किया जा रहा है क्या high है और क्या low है. So line charts are ideal for showing trends. Trends को show करने के लिए हम line chart use करते हैं. The data points are connected with lines. Data points को line से connect किया जाता है, making it easy to see whether values are increasing or decreasing over the time. ये बताने के लिए कि values जो है बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं time के साथ. Next comes pie chart. So here you can see this is the picture of a pie chart, जैसा कि आप maths में बनाते हैं. Pie charts make it easy to compare proportions. Proportions को compare करने के लिए हम pie chart use करते हैं. Each value is shown as a slice of a pie. हर एक value को ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई पाई का स्लाइस हो. सो इट इज इजी टू सी विच वैल्यू मेक अप द परसेंटेज एज अ होल. तो ये जो है क्या करता है, हमारे काम को और ज़्यादा इजी बनाता है ये दिखाने के लिए कितना परसेंटेज है किस चीज़ का. तो ये तीन तरीके के चार्ट्स हैं. नाउ द नेक्स्ट चार्ट इज बार चार्ट. अब आप देख सकते हो ये है आपके सामने बार चार्ट. बार चार्ट वर्क जस्ट लाइक कॉलम चार्ट. जैसे कॉलम चार्ट थे वहाँ वर्टिकल थे, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगी. एंड दिस इज बार चार्ट, सेम प्रोसीजर टू बी फॉलोड हियर ऑल्सो. नेक्स्ट कम्स एरिया चार्ट जो आपको एरिया दिखाता है. सो एरिया चार्ट्स आर सिमिलर टू लाइन चार्ट्स. ये भी लाइन चार्ट्स की तरह ही होते हैं, बट द डेटा पॉइंटर मार्क्स आर नॉट डिस्प्लेड. यहाँ पर डेटा पॉइंटर मार्क्स जो डिस्प्ले नहीं होते हैं. एंड द एरिया बिनी द लाइन्स आर फिल्ड विद कलर. और जो लाइन्स के नीचे का जो एरिया है उसे कलर से फिल कर दिया जाता है. एंड एरिया चार्ट एम्फसाइजेस द मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डेटा ओवर टाइम. ये जो चार्ट है ये मैग्नीट्यूड को बताता है और डेटा जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. इट इज़ मेनली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन फिगर. सेल्स और प्रोडक्शन फिगर के लिए हम ये चार्ट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम सरफेस चार्ट. सरफेस चार्ट अलाउज यू टू डिस्प्ले डेटा अक्रॉस अ 3D लैंडस्केप. सो ये आपको जो डेटा है वो 3D वे में दिखाई देगा. दीज वर्क बेस्ड विथ लार्ज डेटा शीट्स. अगर लार्ज डेटा शीट से ज़्यादा डेटा शीट्स है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. अलाउिंग यू टू सी अ वराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम. ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दिखा देता है. Now let's learn about the components of a chart. क्या क्या components होते हैं chart के अंदर, let's see. So a chart is described under using various elements. यहाँ पर बहुत सारे elements आपको दिखेंगे chart में. पहला है chart area. So here you can see this is your chart area. It refers to the area within which all chart components are found. तो ये जो chart area है वो जगह है जहाँ पर सारे elements दिखाई देते हैं chart के. Next है category axis. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका कैटेगरी एक्सेस. एंड इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द चार्ट. ये हॉरिजॉन्टल एरिया होता है चार्ट का. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाई एक्स एक्सेस. इसे एक्स एक्सेस भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज वैल्यू एक्सेस. ये है आपका वैल्यू एक्सेस. एंड इट इज़ अ वर्टिकल एक्सेस. ये वर्टिकल एक्सेस होता है चार्ट का और इसे भी हम वाई एक्सेस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज डेटा सीरीज. ये यू कैन सी दिस इज योर डेटा सीरीज. एंड डेटा सीरीज आर द बार्स स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज. डेटा सीरीज क्या है, ये कुछ बार्स होते हैं, स्लाइसेस होते हैं या दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जो डेटा को बताते हैं. फिर आता है एक्सेस टाइटल.
एक्सेस टाइटल क्या है? एक्सेस टाइटल जो है टाइटल बताता है, हेडिंग बताता है एक्स और वाई में क्या चल रहा है। चार्ट टाइटल यहाँ पे आप देख सकते हो, चार्ट टाइटल क्या बता रहा है कि इट इज़ द हेडिंग ऑफ द चार्ट, ये चार्ट की हेडिंग है एंड इट हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट्स, ये बताता है कि चार्ट क्या बताना चाह रहा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो लेजेंड है जो आपको टोटल बता रहा है कि इन वैल्यूज का क्या मतलब है। ग्रिड लाइन्स है, ये जो लाइन्स दिख रही हैं आपको ये ग्रिड लाइन्स हैं 100, 200, 300, 400। और डेटा टेबल है कि एक बच्चे के कितने टोटल मार्क्स आए हैं 500 या 600 में से। तो नेक्स्ट है प्लॉट एरिया, इट इज एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइन। फिर आता है ग्रिड लाइन, दीज आर इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस होती है डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड कैटेगरी। ग्रिड लाइंस मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ग्रिड लाइंस क्या करती हैं चीज़ों को समझने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज लेजेंड, इट डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न एंड सिम्बल्स असाइन टू अ डेटा सीरीज, ये जो है कलर पैटर्न्स को बताता है, सिम्बल्स को बताता है जो किसी डेटा सीरीज में होते हैं। नेक्स्ट कम्स डेटा लेबल, इट इज अ टाइटल गिवन टू अ डेटा मार्कर इन अ चार्ट, ये एक टाइटल है जो डेटा मार्कर्स को दिया जाता है चार्ट में। डेटा टेबल, इट इज अ टेबल कंटेनिंग वैल्यूज फॉर ईच डेटा सीरीज, ये एक टेबल है जिसके अंदर वैल्यूज होते हैं हर एक डेटा सीरीज के लिए। यूजुअली डिस्प्लेड बिलो अ चार्ट, जो कि ज़्यादातर किसी चार्ट के नीचे डिस्प्ले होता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द डेटा चार्ट। नाउ हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, अब चार्ट को कैसे क्रिएट करना है ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है ये चार्ट, क्या क्या इसमें वैल्यूज होती हैं, क्या कौन कौन से तरीके के चार्ट होते हैं। अब हमें ये सीखना है कि कैसे इन चार्ट्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू क्रिएट द चार्ट लेट्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट क्या करना है, डेटा को टाइप करना है एंड सेलेक्ट द रेंज। डेटा को टाइप करने के बाद हमें रेंज को सिलेक्ट करना है, ये देखिए हमने डेटा टाइप करके रेंज को सिलेक्ट कर दिया A1 to B10 इंक्लूडिंग कॉलम टाइटल्स, जिसमें कॉलम टाइटल्स भी इंक्लूडेड हैं। नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, अब हमें इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से इंसर्ट कॉलम चार्ट में जाना है चार्ट्स ग्रुप में। तो चार्ट ग्रुप में जाके हमें इंसर्ट कॉलम चार्ट में जाना है, सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट सब टाइप फ्रॉम द लिस्ट। तो लिस्ट में से जिस तरीके का भी चार्ट चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। द चार्ट अपीयर्स ऑन योर वर्कशीट, और जिसको भी हमने सेलेक्ट किया वो चार्ट हमारी वर्कशीट पे आ जाएगा। टू न्यू टैब्स चार्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट अपीयर इन द रिबन, अब दो जो है नए टैब्स आ जाते हैं, एक तो हो जाता है टैब डिज़ाइन और दूसरा है फॉर्मेट, ये हमारे रिबन पे अब दिखाई देने लगते हैं व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द चार्ट, जब भी हम क्लिक कर रहे हैं चार्ट पे। दीज टैब्स कंटेन्स ऑप्शंस फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टैब्स, तो ये जो दो ऑप्शन है चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट, ये क्या है, किस काम आते हैं, ये उस चार्ट को एडिट और फॉर्मेट करने के काम में आते हैं। तो जब भी आप इस चार्ट पे क्लिक करेंगे ये दोनों ऑप्शंस आपको दिखेंगे और यहाँ से आप इस चार्ट को एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग ऑन एक्सेस टाइटल, अब हमें एक्सेस टाइटल को कैसे ऐड करना है। टू ऐड द एक्सेस टाइटल फर्स्ट सेलेक्ट द चार्ट, जो चार्ट है उसे सेलेक्ट करें, फिर हमें चार्ट डिज़ाइन टैब पर जाना है, फिर ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पर जाना है, तो आप देख सकते हो ऐड चार्ट एलिमेंट आपके सामने है, फिर हमें जाना है एक्सेस टाइटल ऑप्शन पे चार्ट लेआउट में, अब एक्सेस टाइटल में जाएंगे चार्ट लेआउट में, फिर हमें क्लिक करना है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल प्राइमरी वर्टिकल पे, तो अब हमने यहाँ से प्राइमरी हॉरिजॉन्टल प्राइमरी वर्टिकल पे क्लिक किया एंड देन दिस एक्सेस टाइटल इज एडेड। अब कैसे हमें चार्ट टाइटल ऐड करना है, सेम प्रोसीजर टू बी फॉलोड, चार्ट को सेलेक्ट करिए, चार्ट डिज़ाइन को सेलेक्ट करिए, चार्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करिए, अब हमें चार्ट टाइटल पे जाना है, ये है चार्ट टाइटल, अब यहाँ से चार्ट लेआउट ग्रुप पे जाना है, अब चार्ट टाइटल टेक्स्ट बिलो हमारे सामने नीचे आ जाएगा, अब उसमें से हमें क्या करना है, जो भी चार्ट हमें चाहिए अबव चार्ट सेंटर्ड ओवरले चार्ट वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं लेजेंड को, डेटा लेबल्स को, ये बहुत सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर अपनाना है एंड द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी इंसर्टेड इन आवर चार्ट।
चेंजिंग द चार्ट टाइप और सब टाइप. अब हमने चार्ट तो बना रहे, लेकिन अब हमें वो चार्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए उसकी जगह कोई दूसरा चार्ट चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, चार्ट के टाइप को चेंज कर रहे हैं. क्या करना है, पहले हमें उस चार्ट को सेलेक्ट करना है, फिर चार्ट डिज़ाइन टैब में जाना है. अब वहाँ से ये है हमारा चार्ट डिज़ाइन टैब. अब यहाँ से हमें टाइप ग्रुप में जाके चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप में जाना है. एंड यहाँ से चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे सामने. यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दो चार्ट हमें दिख रहे हैं यहाँ पे एक तरीके के, और बाकी भी ऑप्शन से वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चार्ट हमें लगाना है, और उसको सेलेक्ट करते ही वो चार्ट चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है चेंजिंग द चार्ट स्टाइल. चार्ट के स्टाइल को चेंज करना है, चार्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, चार्ट डिज़ाइन में जाना है, चार्ट टूल में जाना है, फिर मोर बटन पे क्लिक करना है. चार्ट स्टाइल में जाके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे सामने, इनमें से जो भी ऑप्शन हमें सूटेबल लग रहा है उसे सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे और वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा. सो ऐसे हमें चार्ट के स्टाइल को भी चेंज करना है. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स रिवाइज व्हाट एवर वी हैव लर्न. सो लेट्स रिवाइज. सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट. डेटा कैन बी सॉर्टेड इन रोज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स और डेट्स. द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वॉन्ट टू डिस्प्ले टेम्पररली, हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम व्यू. डेटा वैलिडेशन इज यूज इन टू रिस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज. Subtotal help us to manage and analyze the data. Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and representing the data. Goal seek is wonderful feature for fixing a specific result for from one cell by adjusting its value to the another cell. Conditional formatting is a feature in Excel that lets you apply formatting such as cell shading, font color and different other things. A chart is a pictorial representation of data. Charts make it easier to draw comparison and analyze the growth, relationship and trend among the values in the range. Various components of charts are chart area, chart category, value axis, data series, axis title, chart title, plot area, grid, legend. Next is data marker, data labels and data table. So these all are the things, children, that we have learned in this chapter. Now let's move on to book exercise, which is check yourself. So here the first question is A part, which is take the correct option. So here, children, the first question is dash feature is used to set a specific result for one cell by adjusting the value in another cell. So is it data validation, filter, goal seek or subtotal? So it is goal seek. Next, second one, this feature allows us to arrange the given data according to a particular field, either in the ascending or in the descending order. Is it filter, data validation, sort or none of these? So it is sort. Now the third one is dash helps us to manage and analyze the data. Goal seek, subtotal, data validation or none of these. So it is subtotal. Now let's move on to B part, fill in the blanks. Fourth one in the tick the correct is your homework. So here the first question in fill in the blanks is dash means arranging data either in ascending or descending order. So it is sorting. Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting the data. And the third one is data validation is used to restrict the cell entries within a specified range. So these three we have done, children. The rest two questions are your homework, you have to do yourself. Now let's move on to C part, which is write true or false. So now, children, let's move on to C part, which is true or false. Here the first question is filtering means sorting the data. Yes, this is false. Filtering does not mean sorting the data. Next, second one, you can sort data only in ascending order in a worksheet. No, we can
sort data both in ascending and descending order. So this is false again. Third one, when the data changes, the chart is updated at automatically. जैसे data change होता है chart अपने आप update हो जाता है. Yes, this is true. So rest to our your homework children. Now let's move on to the part which is answer the following questions. First one is, what is the use of sorting feature in Excel? So sorting feature is used to arrange data in ascending or descending order. Now the second one is, what is the use of subtotal? So subtotal helps to manage and analyze the data. Third one is, state the use of pivot table. Pivot table is used to consolidate, to summarize and to present data. Now children, the fourth and fifth questions are remaining here. This you have to do yourself. And with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video children. Till then, stay tuned and thanks for watching.